मैंने पिछली बार आपको प्रॉमिस किया था कि जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन अस्पताल में दो बैलों का इलाज चल रहा है मैं आपको वहाँ लेके चलूंगा। लेकिन पहले ही जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था पपीज के बारे में गुड न्यूज, वो कहाँ है जी? फ्रेंडली आ था जाती है, आप पकड़ लो ना, अंदर आ जाएगी। जिसने भी किया गलत काम किया, वहाँ को छोड़ गया और बच्चों को ले गए। दया भी आती है, मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा, ये तू परेशान करेगी तो इतना है। अब मैं क्या करूँ, तेरी सीट पे तो गेनू भैया बैठ गए हैं, तू मेरी सीट पे बैठेगी फिर? अपने बच्चे से मिलने जा रही है अभी, चलो 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 चलो। पैर तो जरा चलने लायक नहीं है, ये तो पैर बिल्कुल गया हुआ है, बहुत बुरी हालत है इसकी। सर दूसरा खुर कहाँ है इसका? निकल गया है, ये तिरे नहीं दे, पाइप मारते प्रेशर इस पर। हम बिना शाहपुर के इसको फिर भी खुद यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं? ये सर ये फुट मतलब फुट रॉट है, मेनली फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिक्स होता है, दूसरों को फैल सकता है। लेकिन जो अभी गया है वो भस्मासुर था ना, जिसका पैर एकदम बड़ा था, तो वो नहीं फैल सकता था? वो फुट रॉट नहीं था, वो क्या था? वो डिजिट्स के बीच का जो स्पेस है वहाँ पे स्वेलिंग आई थी, उसकी वजह से वो डिजिट्स के बीच का गैप बढ़ गया। डिजिट्स मतलब ये जो इनके खुर के दो हिस्से हैं उंगलियाँ ना, ये फुट रॉट है, ये फट चुका है, ये दूसरों को फैल सकता है। फिर हम इसको अंदर क्यों किए? सर डॉक्टर अंदर थे, इसको साथ ही भेज देते हैं। ठीक है सर, करवा देते हैं। घर जाना है, नहाना धोना है, उससे फिर जो ये इन्फेक्शन वो फार्म पे कैरी कर रहे हैं उसके चांसेस कम है। इसके लम्प्स हैं गए, इसको अंदर मत लेके जाओ, इसको नए अस्पताल। इसको तो हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए शिफ्ट किया ना, एक तो हमारे पास जगह भी नहीं थी इसको, क्योंकि वो लम्प्स भी हैं छोटे छोटे, तो हम किसी के काउ शेड में इसको नहीं कर सकते। पर एक जो प्रॉब्लम है वो ये है, इसको फुट रॉट होने का खतरा है और इसको लम्प डिजीज का खतरा है। ये सिचुएशन है, मतलब सड़क पे होने से बेहतर वाली बात है। कल एक बार इसको पूरे को साफ कर देंगे ना, झाड़ू वाड़ू का पानी से, और इसमें आगे खाने के लिए टापा नहीं रखेंगे, पल्ली बिछा देंगे ना, साबुत खिलाएंगे इनको घास, और ये तो दिन में यहाँ चलने में छोड़ेंगे, सो दिन में छोड़ दिया गया इसको तो नहीं, इसको तो चलने में दिखा दोगे। यहाँ पे हम इनको बेस्ट ट्रीटमेंट तो नहीं दे सकते, पर जितना हमसे बन सकता है उतना हम करेंगे। अब सवाल तो बहुत से उठाए जा सकते हैं कि भाई जो सड़क पे गाय बैल आ रहे हैं प्रशासन उस बारे में क्या कर रहा है, जो गाय बैल सड़क पे घायल हो जाते हैं प्रशासन उनके बारे में क्या कर रहा है। पर मैं एक ही सवाल उठाऊंगा कि भाई जब लोग गाय बैल पाल नहीं सकते तो वो उनको पैदा करते क्यों हैं? इन दो की रिकवरी का अपडेट तो हम आपको देते रहेंगे। जो एक बैल बहुत अच्छे से रिकवर होके यहाँ से गया है वो है एकांत, जिसको हमने नगरोटा से रेस्क्यू किया था, उसकी एक आंख निकल गई थी पूरी तरीके से एक्सीडेंट में। कई बार क्या होता है आंख में इंजरी भी हो तो लगता है कि नहीं भाई आंख ही नहीं है, कई बार वो वुंड मैनेजमेंट से भी ठीक हो जाता है, लेकिन इसका केस काफी ज्यादा सीरियस था। फिर उसकी हमने सर्जरी करके आई रिमूविंग, और अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, अब उसको वापस रिलीज करने जाएंगे। चले, जिस चोट के साथ एकांत यहाँ पे आया था वो चोट पूरी तरह ठीक हो गई। जब हमने एकांत को रिलीज किया तो यहाँ पे हम एक और रेस्क्यू को लाने के लिए जगह बना पाए, पर फिर भी एक आंख वाले बैल को सड़क पे छोड़ना अच्छा तो नहीं लग रहा। तो जैसे ही हमारी लार्ज एनिमल सैंक्चुरी कंप्लीट होती है हम फिर से एकांत को ढूंढने जाएंगे और कोशिश करेंगे उसको वहाँ ले आए, पर फिर भी उस सैंक्चुरी की भी लिमिट आएगी। लिमिट तो हर ऑर्गेनाइजेशन की एक रियलिटी है, हमारे पास भी डॉग्स के लिए अभी बिल्कुल जगह नहीं है, फिर भी हम सड़क पे अपने एफर्ट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी एक वायर ट्रैप की केस है, ये डॉग अभी सामने ही है तियारा का, तो हम ले कैसे रहे हैं, हमारे पास जगह तो है नहीं। वायर ट्रैप खोलने जा रहे हैं, काटना है। हाँ डीएम स्कूल के पास आना है ना। हाँ जी, साफ ना जी, पहुंच गया। ओके
सामने पर खुले में बुआ सामने ओपन में है भैया डरी है ना डरी है ना दो नेट लेकिन देख के भाग जाएगा ना थोड़े आगे खड़े रहना ना पर बाहर ना निकले बस गैरेंद्र आई आगे चले जाओ ले आया ऊपर आया ऊपर मुझे ये वाली सच जगह दिख गई थी ना ये नीचे बस ऊपर ठीक है खाना खाता है खिला दोगे ना आप बस खाने में डालने पीस के डाल देना पांच दिन खिलानी है लगातार पहले जाना है मस्तपुर वहाँ से कुत्ता कैच करना है वहाँ से लेके धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू छोड़ना है चल आजा बाहर आजा चल अच्छा बच्चा नहीं है इसके कान में ना हाँ। पता नहीं कुछ हो गया था इधर आ जाता है वैसे तो आराम से चले नीचे चले इसके ऊपर ना वो बड़े हैं किसी ने इसको रखा हुआ था ना पहले पाला हाँ हाँ में छोड़ दिया इसके 20 नाखून है ना अच्छा तो इसका नाम बिशु रखा हुआ कैसा बच्चा बिशु ओ देखो टाटा जल्दी ठीक हो गया ना अच्छा रेस्क्यूज तभी इफेक्टिवली काम कर सकते हैं जब लोग उनके साथ मिलके काम करें यानी कि अबैंडन्ड पेट्स को अडॉप्ट करें इंजर्ड एनिमल्स को रिकवरी के लिए अपने घर में जगह दें और रेस्क्यूज से लाके एनिमल्स घर पे फॉस्टर करें मून का तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ ना कि उनके पास घर में एक डॉग भी था अनफॉर्चुनेटली मून और उसके डॉग की बन नहीं पाई 10 दिन ट्राई किया एक साथ रहे लड़ाई ना करें पर वो एक साथ नहीं रह रहे थे आई थिंक वो बहुत ही अर्ली एज में सोशलाइजेशन हो जाए तो पॉसिबल है एकदम हेल्दी है सुपर एक्टिव तो एक बार फॉस्टर ही समझ के लेके जाते हैं बाद में जब आपका कन्फर्म हो जाए तो फिर सलोनी कोऑर्डिनेट करके अडॉप्शन फॉर्म वगैरह देख लेना गगल में एक ट्यूमर डॉग है उसको रेस्क्यू करने जा रहे हैं अभी वो उन्हें काफी सहमा हुआ डॉग है दांत बैठा हुआ है काफी पेन में भी होगा क्योंकि ट्यूमर है पूरी बॉडी पे ले भाई केज बना ले केज ले ले आ कुछ नहीं ले अच्छा ये तो एक मिनट में हो गया बस बस इंजरी हुई थी पांच छह कुत्ते पड़ गए थे इसको ये तीन चार दिन से ऐसे घूम रहा था बहुत सारे ट्यूमर्स भी हैं और उसको वुंड भी है हमने सारे वुंड्स के अराउंड क्लीनिंग की है शेविंग की है जिसके वुंड है वो डॉग बाइट का बोल रहे हैं सस्पेक्टेड कर रहे हैं तो उसके लिए हमने इसको एंटी रेबीज का शॉट दे दिया है अभी के लिए ट्यूमर के लिए हम इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक बार पालमपुर भेज रहे हैं ताकि पता चल जाए कि ये मेटास्टेटिक ट्यूमर तो नहीं है मतलब फैला हुआ तो नहीं है और अगर फैला हुआ होगा तो उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा नहीं फैला हुआ तो दोनों की ट्रीटमेंट में भी फर्क होगा और बाकी जहाँ से हमें आगे बढ़ना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग ही रहेगी दोनों की आज हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम का पहला दिन है ना हाँ जी सर तो कोई फ्लो तो नहीं रुक रहा नहीं सर ऐसा नहीं मैं इनको साथ साथ ही रख रहा हूँ जो जो मुझे लग रहा है बता देना चाहिए साथ आपके सारे जो सवालों के जवाब आपको हम लोगों ने वॉलंटियरिंग प्रोग्राम तो बंद कर दिया ना तो अब हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो लोग आजकल रेस्क्यूज करते हैं उनको हैंडलिंग सीखनी है एनिमल्स की फर्स्ट एड सीखनी है तो वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो दो हफ्ते का प्रोग्राम है उसमें हम रोज चार घंटे उनके साथ काम करेंगे दो घंटे वो सीखेंगे दो घंटे वो हेल्प कराएंगे चाहे वो फीडिंग में हो एनरिचमेंट में हो क्लीनिंग में हो और ये पे करना पड़ता है क्या नहीं 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 फ्री है बस लोगों को अपना जो खाने पीने का खर्चा है वो उनका खुद का है खुद अपना अकोमोडेशन लोग मैनेज करते हैं ओरे ओके ऑलराइट ओके ये लो गुड बॉय सांशु डॉक्टर हिमांशु अडॉप्ट करेंगे देखो मेरे साथ बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है सर अब यहाँ पे जरा से पपीज है और इनको प्यार देने के लिए बहुत से लोग हैं तो ये बहुत ही क्यूट लग रहा है पर जब सड़क पे यही पपीज थोक के भाव पैदा हो जाते हैं तो लोगों को यही मुसीबत लगते हैं और इसका एकमात्र समाधान है स्टरलाइजेशन पर उस पर भी कई लोगों को आपत्ति होती है तो उन सभी ऑब्जेक्शंस का जवाब हमने इस वीडियो में दिया है।